reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. Right now, I am at MB Marine Fish Shop, located at Goregaon East, right next to the famous Bollywood Film City. So दोबारा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग मरीन फिश का वीडियो. MB मरीन फिश शॉप में फिर एक बार बहुत सारे अमेजिंग ऑसम मरीन फिश वराइटीज़ आए हैं. सो MB मरीन फिश शॉप ये मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट मरीन फिश वराइटीज़ हमको दिखाते हैं. और आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मरीन फिश के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे. यह है फ्रेश न्यू वीडियो मरीन फिश का. एंड आपको पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ MB मरीन फिश शॉप में सबसे ज़्यादा मरीन फिश वराइटीज़ देखने को मिलेगी. हमारे साथ है MB मरीन फिश शॉप के ओनर मिस्टर मिथिलेश भरद्वाज. हेलो मिथिलेश भाई, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो भाई? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. और भाई, इस बार भी आपने बेहद खूबसूरत मरीन फिश का स्टॉक लेके आया है. ख़ास करके आपने स्टॉक को इतने अच्छी तरह से मेंटेन किया है. वाटर क्रिस्टल क्लियर है, हर एक टैंक में एकदम परफेक्ट फिल्ट्रेशन के साथ बहुत ही खूबसूरती से आपने मेंटेन किया है. शॉर्ट में बता पाओगे कौन कौन से मरीन फिश वराइटीज़ आप लेकर आए हो? राइट नाउ हमारे पास अभी जैसे गोल्डन एंजल है, एन एब्रेंट ट्राइकोलस कोपस टैंग है, एब्रेंट मिमिक टैंग है, एक्सोटिक स्पेस अब हमारे पास है काफ़ी वराइटीज़. एंड देन रीगल टैंग है, फॉक्स फिश है, स्कोपस टैंग है, एनटीआर में काफ़ी वराइटीज़ है, एंजल्स में काफ़ी वराइटीज़ है हमारे पास, डेमसिल्स है, क्रोमीज है, एंड एक्सोटिक क्लाउन्स है हमारे पास काफ़ी. सो सबसे पहले हम लोग आपको दिखा रहे हैं MB मरीन फिश शॉप का एक्सोटिक कलेक्शन. ये आपके सामने है मरीन फिश की खूबसूरती, नेचर्स वंडरफुल क्रिएशन इन फ्रंट ऑफ योर आईज. यहाँ पे आप देख सकते हो इन फिशेस का शेप, इनका कलर्स और इनका कसब का पैटर्न. So Mitlesh bhai, which are these amazing varieties? These are there is a black ribbon eel, blue ribbon eel, and there is a zebra eel, and there is a moor eel. Okay, ab ek point karke dikhaoge bhai, because bahut sare eels hai. Eels jo stripes wale, ye wale white and black, ye bade wale zebra eel, ye zebra eel hai. And this one yahan pe jo dikh rahe hai, ye wale ji, ye wala blue hai, and that one is black ribbon eel, blue ribbon eel, black ribbon eel, aur ye moor eel hai. यह है मोनो ईल, मोरे 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 ईल. ओके, सो हर एक ईल का आप देख सकते हो कि पैटर्न अलग है. कोई ज़्यादा लंबी है तो कोई थोड़ी छोटी है. साइज भी सबकी डिफर कर रही है एक दूसरे से पैटर्न के साथ साथ. एंड ये वाली आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक. कितने साइज होगी भाई इसकी? अराउंड 3.5 फीट करेगा ये. ओह, सो 3.5 फीट की ये बड़ी ईल आप देख सकते हो इसके अंदर. सो एक्चुअली मिथिलेश भाई, आपने इनको टैंक में रखा है बस हमारी व्यूवर्स को शो पर्पस के लिए, डिस्प्ले पर्पस के लिए इसके अंदर रखा है, राइट? राइट राइट. सो ईल्स के बाद और एक कमाल की मरीन फिश वैरायटी है आपके सामने. पूरी बॉडी है फिल्ड विद ब्यूटीफुल स्पॉट्स. ये वाली मिथिलेश भाई क्या वैरायटी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम बेटा मरीन है. ओके, एंड इसका इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,500. अच्छा, तो इसकी आप देख सकते हो ये वाली है इसकी डोर्सल फिन, एनल फिन और ये टेल फिन पूरी किस तरह से अलाइंड है प्रॉपरली. ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी का ही सेंटर के बॉडी का ही हिस्सा है, ऐसा लग रहा है इसको. तो ये भाई किसके साथ रहती है? नॉर्मली दे कैन स्टे विद ऑल द फिशेस, जो बड़ी साइज के फिशेस के साथ रहती है. एक्चुअली छोटी ज़्यादा छोटी फिशेज के साथ नहीं रह पाएगी. छोटी फिशेज के साथ रखेंगे तो
दे विल हार्म द फिशेस बट द बाइट हम लोग खा सकते हैं। ये और एक बेटा मरीन है आपके पास थोड़ी छोटी साइज में, तो आप देख सकते हो ये स्कूलिंग ऑफ मरीन फिश इस टैंक के अंदर। इनका आप रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो कि बहुत सही आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो वेरी ब्यूटीफुल, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग स्कूलिंग ऑफ दिस फिशेस। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, आई एम स्टंड वॉचिंग दिस फिशेस। क्या नाम है भाई इनका? ये अपने रीगल टैंक। ओके, ये बहुत छोटे साइज में आए आपके पास? स्मॉल साइज है वाले, स्मॉल साइज में। ओके, क्या प्राइस है भाई इनका? 2500। यह अगली वैरायटी आप उसके फिन्स देख सकते हो किस तरह से ऊपर नीचे कर रही है, बेहद खूबसूरती से इसका हमको पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाली भाई क्या नाम है इसका? इसका नाम पैंथर ग्रुपर है। ओके, और ये लार्ज साइज है तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5500। ओके, क्या ये और बढ़ेगी? हाँ, देख रहे हो ग्रुपर है ना, बहुत बड़े होते हैं। अभी क्या साइज है? अभी ऑलमोस्ट समझो ना 6 इंच 7 इंच का है। तो कितना बढ़ता है ये? विल ग्रो टिल लाइक 2 फीट 3 फीट तक बढ़ते हैं ग्रुपर वैरायटी का जी। और आइस के सेंटर में भी आप देख सकते हो 4 स्पॉट्स से ऊपर नीचे पूरी बॉडी और फिन्स के ऊपर भी जो है इसको बहुत सारे स्पॉटिंग्स हैं। क्या प्राइस आएगी भाई इसकी? 5500 की आएगी। इनके पास और भी खूबसूरत पैंथर ग्रुपर्स है और सारे ग्रुपर्स की बॉडी पैटर्न देख सकते हो एकदम प्रॉपर है। सो ये होती है मरीन फिश की खूबसूरती। ईच एंड एवरी मरीन फिश में हमको ऐसा अलग यूनिक पैटर्न देखने को मिलता है, आई प्लीजिंग सा लगता है, ऐसा लगता है इनको देखते रहो आँखों को जो है बहुत ही सुकून सा मिलता है इनको देख के, तो आँखें हटती नहीं है इनके बॉडी के पैटर्न के तरफ। नेक्स्ट अमेजिंग वराइटी इज हियर, आप इसका शेप देख सकते हो बहुत ही अलग है बाकी फिशेस से। ऊपर की तरफ इसको आप हॉर्न भी देख सकते हो आया हुआ है और इसकी टेल फिन डोर्सल फिन वो तो एकदम अलग ही है। क्या वैरायटी का नाम है भाई ये? लॉन्ग, ये अपना लॉन्ग हॉर्न काउफिश बोलते हैं। लॉन्ग हॉर्न काउफिश, बिकॉज़ इट हैज गॉट हॉर्न्स लाइक दैट ऑफ अ काउ। ये क्या सबके साथ रह लेता है कि कुछ सिलेक्टिव? रह लेता है, कोई इशू नहीं है। ओके, कितने में आएगा ये? ये आपको आ जाएगी 3500, 3500 में। और इसका अगर आप बॉडी का पैटर्न देखेंगे सेंटर में तो ये ऐसा लग रहा है कि हनीकॉम्ब का जैसे होता है वैसा वैसा शेप आपको दिखाई देगा। मैं जूम करके आपको इसका पैटर्न दिखाना चाहूँगा। तो ये होता है नेचर्स क्रिएशन, जो जितने भी एक्वेरियम फिश देखने को मिलती है मरीन फिश में हमको सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे हटके, सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। शेप के साथ इनका पैटर्न भी बहुत हटके होता है। हमने आपको काउफिश दिखाई थी जिसका शेप आकार बहुत ही अलग था। यहाँ पे इनके पास और एक ऐसी फिश वैरायटी है जिनका भी आप शेप देख सकते हो बहुत अलग है और एक सिंगल हॉर्न है इनको बीचों बीच दोनों आँखों के बीच में, सर के बीच में। क्या नाम है मिथिलेश भाई इनका? ये मेटेड फाइल की है, लेदर जैकेट मेटेड फाइल है। ये भी सेम है कि अलग है? सेम है, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करते हैं। ओके, आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो इसका पैटर्न और कलर, एंड वही इस फिश का पैटर्न और कलर। ये वाले भाई क्या प्राइस में मिलेंगे? ये आपको 2500 में आएंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट फिश, व्हाट इज द नेम भाई? इसका नाम इट्स एवरेंट मिमिक टैंक बोलते हैं इसको। टैंक में आता है ये? हाँ। क्या प्राइस है इसका? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 18,000 रुपीज। बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट है उसका। उसके बाद में ये वाली वाटर ब्लू टैंक है, आपको 3500 में आ जाएगी। ओके, देन ये वाली यहाँ पे ये अपना स्वीट लिप बोलते हैं इसको, एक्चुअली इसका नाम है स्कॉटेड ग्रंट भी बोलते हैं स्वीट लिप। ये आपको आ जाएगी 2500 की। पैटर्न आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर बहुत ही फैला हुआ है, स्पॉट्स बड़े बड़े हैं
और बॉडी के ऊपर एक बेस रंग है, उस बेस कलर के ऊपर इनको ऐसे वाइट स्पॉट्स आए हुए हैं, तो बहुत ही वाइब्रेंट दिखाई दे रहा है। और देन इसके अंदर भाई ये वाले दीज आर ब्लॉन्ड नासो टैंक, ओके ब्लॉन्ड वाले अलग होते हैं, दीज आर लिपस्टिक नासो टैंक, बिकॉज हम देख सकते हैं इनके लिप्स ऐसा लग रहा है इन्होंने लिपस्टिक लगा के रखी है, दैट इज़ वाई इनको ऑब्वियसली ऐसा नाम पड़ा है लिपस्टिक नासो टैंक। और ब्लॉन्ड नासो टैंक भी है भाई आपके पास? हाँ है। और राइट, तो लिपस्टिक नासो टैंक की क्या प्राइस है? ये एक्सेल साइज की लिपस्टिक नासो टैंक है, ये सब आपको आ जाएंगे 5500 की। ओके, ये ऊपर एक फिश है इसका, कॉपर बैंड बटरफ्लाई, कॉपर बैंड बटरफ्लाई। ओके, इसका जो मुंह है ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ बीक, बर्ड के बीक के तरह ऐसा लग रहा है। कॉपर बैंड बटरफ्लाई क्या प्राइस में मिलेगा? 2500, मीडियम 2500, लार्ज जो है 3000 का आएगा। अच्छा, लार्ज भी अवेलेबल है आपके पास? हाँ, ये वाला लार्ज है, ये लार्ज है, मीडियम भी अवेलेबल है आपके, मीडियम भी है। हाँ, ये भी बढ़ते बहुत बड़े होते हैं? नहीं, और थोड़े बड़े होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, इनका भी आप पैटर्न देखेंगे तो वर्टिकल स्ट्राइप्स है इनके बॉडी के ऊपर, ये ऊपर वाला है, दिस वन, दिस इज नोन एज एब्रियन ट्राइकलोस्कोपस टैंक बोलते हैं इसको। ये क्या प्राइस में आएगा? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 के आसपास। ओके, 15,000 में मिलेगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा फिश है? मैग्निफिसेंट फॉक्स फेस, मैग्निफिसेंट फॉक्स फेस। ओके, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न बॉडी के ऊपर, छोटा छोटा डॉट्स है, उसके बाद में आंखों के ऊपर एक बड़ा सा ब्रॉड स्ट्राइप है, और इसकी डॉर्सल फिन भी अगर खास करके आप देखेंगे तो इरेक्ट है और टोकदार है, देन टेल फिन भी आप देखोगे बॉर्डर है। जी, क्या प्राइस में आएगा भाई? 3850। ओके, 3850। देन कौन सी वाली? ब्लू फेस एंजल, ये वाली ब्लू फेस एंजल। ओके, ये आपके पास छोटी साइज आई है, पिछले बार हमने बहुत बड़ी बड़ी देखी थी। मीडियम साइज है एक्चुअली, ये मीडियम साइज होती है। अच्छा, ये होती है मीडियम साइज। क्या प्राइस में आएगी ये आपको आ जाएगी? ब्लू फेस एंजल है ना भाई, ये 7000 के आसपास आएगी, 6500-7000। ओके, दिस आर पॉपुलर क्लाउन ऑसिलरीज, वही ओके, ऑसिलरीज भी बोला जाता है इनको। ऑसिलरीज इज अ साइंटिफिक नेम। अच्छा, सो ये ऑसिलरी क्लाउन, ये क्या प्राइस में आएगी भाई? ये आपको आ जाएगी 1850। ये आएगी 1850 रुपीज में आपको। येलो लॉन्ग नोज बटरफ्लाई, सो दिस इज येलो लॉन्ग नोज बटरफ्लाई, ये क्या प्राइस में है? ये आपको 2500 में आ जाएगी। ओके, 2500 में। उसके बाद में कौन सी बताओगे? कॉपो बैंड दिखा दिए तो बोलना। यस, एक और अपने पास एब्रियन ट्राइकलोस्कोपस कहेंगे पीछे, उसकी भी पैटर्न अलग है, जो पीछे वाली है। पीछे घूम के जाए। ओके, ये वाला पैटर्न देखो। हाँ, पैटर्न वेरी यूनिक पैटर्न, बाकी फिशेस से बहुत अलग है, कलर में एक्चुअली इसको पैटर्न आया हुआ है। वो कैसी आएगी? वो आपको आएगी 18,000 में। ये रही भाई, राइट, वो ब्लॉन्ड नासो टैंक, ब्लॉन्ड नासो टैंक। और ये बाजू बड़ी वाली जो है लिपस्टिक नासो टैंक। ओके, तो ब्लॉन्ड नासो टैंक कैसी आएगी? ब्लॉन्ड नासो टैंक आपको 3500 की आएगी। एंड ये वाली यहाँ पे चॉकलेट टैंक बोलते हैं इसको, चॉकलेट टैंक। सो व्हाट इज द प्राइस? 3500। सो इन दिस टैंक वी आर कवरिंग द नेक्स्ट फिश जो है यहाँ पे, ये वाली बाई कौन सी है? ये येलो बोन टैंक बोलते हैं, कॉमनली टैंक भी बोलते हैं। ये क्या प्राइस में आएगी? ये आपको आ जाएगी 2850 में। ओके, देन इसके अंदर दूसरी कौन सी है? डायमंड बटरफ्लाई है, डायमंड बटरफ्लाई, पिरामिड बटरफ्लाई बोलते हैं ये वाले, येलो एंड वाइट में। ये पिरामिड बटरफ्लाई बिकॉज हम डायमंड बटरफ्लाई। ओके, हम इनका जो पैटर्न है उसके ऊपर देख सकते हैं पिरामिडिंग है, पिरामिड का जो शेप होता है वैसा है इनको ऊपर की तरफ जो जा रहा है, या डायमंड भी इनको बोला जाता है बिकॉज डायमंड की ज़्यादा शेप है, राइट, एम आई राइट भाई? राइट राइट।
ये क्या प्राइस में आएगा भाई? ये 3500 का आएगा। सो ये वाला है बहुत ही वाइब्रेंट कलर का फिश, क्या नाम है भाई इसका? ये मैजेस्टिक एंजल फिश। और क्या प्राइस में आएगा? 5500। ओके, 5500 में मिलेगा मैजेस्टिक एंजल आपको। सो आप देख सकते हैं ग्रुप में जो स्विम कर रहे हैं फिशेस, ये वाले भाई क्या नाम है इनका? रकून बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, लूनुला बटरफ्लाई बोलते हैं। अच्छा, तो बटरफ्लाईज के साथ इनको रख सकते हैं हम लोग? हाँ, बटरफ्लाई। और सामने की आप देख सकते हैं जो डोर्सल फिन है उसका सामने का पार्ट जो है वो स्पाइकी है और पीछे थोड़ा सा मतलब सो जाता है। तो क्या प्राइस में आएंगे भाई ये आपको आ जाएंगे 2850। तो आप इनके टेल फिन के ठीक पीछे देख सकते हो एक स्पॉट है और ठीक ऊपर की तरफ एक स्पॉट है, दोनों साइड में इनको ये स्पॉट है। बहुत ही खूबसूरत जो इनको लुक दे रहा है और साथ में ये लोग स्विम कर रहे हैं। तो ये है एक अगली फिश, आपको टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ बिकॉज इसका बैंड जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। इस फिश का भाई क्या नाम है? ये बाइकलर पैरेट बोलते हैं इसको। बाइकलर पैरेट, इट्स लार्ज साइज, ये आपको आएगा अराउंड 4500 में, 4500 में। लार्ज साइज है। सो अब हम दिखा रहे अगली वैरायटी, ये रैबिट फिश में आती है भाई? हाँ, रैबिट फिश में आती है, ये अपना येलो फॉक्स फिश है। येलो फॉक्स फिश, बहुत ही खूबसूरत इनके कलर्स होते हैं और पैटर्न आप देख सकते हो नीचे का आँखों के ऊपर और ठीक गिल्स के तरफ से ऐसा जाता है, दोनों पैरेलल स्ट्राइप्स दिखाई दे रहे हैं हमको। कैसे प्राइस में आएगा भाई ये? लार्ज साइज है, ये तो आपको आएंगे 4000 में आएंगे, 4000 में। सो अब हम आपको ये जो फिश दिखा रहे हैं इसका नाम तो बाद में बताते हैं, बट मिथिलेश भाई कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। क्या बताना चाहोगे भाई? दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ, ये लोग ग्रुप ऑफ बोलते हैं इसको। ओके, तो ये एक्चुअली यू कैन नॉट कीप इट अनदर फिशेस, छोटे फिशेस के साथ ये डायरेक्टली खा जाते हैं। जैसे जब ये ऑलमोस्ट मेरे पास 9 to 10 months है, जब इट वॉज लाइक ओनली 2 inches का तब आया था मेरे पास, नाउ इट्स ऑलरेडी 5 inches, 2 inches 5 inches। ओके, तो ये डायरेक्टली फिश को खा लेता है? हाँ, डायरेक्टली ग्रुपर है एंड दे ग्रो लाइक 3 feet 4 feet तक ग्रो करते हैं। तो इसको फिर टैंक मेट्स क्या होंगे फिर मरीन केस में? सिर्फ ग्रुपर टैंक्स में आप रख सकते हैं बड़े बड़े साइज, ये साइज के सेम साइज के ग्रुपर्स रख सकते हैं या बड़ी जंबो फिशेस के साथ रख सकते हैं। छोटे क्लाउन्स रिगल्स सबको खा लेगा। क्या प्राइस में आएगा ये? एक्चुअली आएगा आपको 7000 में आएगा। सो अब हम आपको ये जो फिश दिखा रहे हैं इसका आप देख सकते हो बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, फायर जैसा कलर है इसका। क्या नाम है भाई इसका? ये डीप सी कोरल ब्यूटी एंजल बोलते हैं इसको। ओके, क्या प्राइस में मिलेगा? ये आपको आ जाएगी 3000 rupees में। देन ये वाला? ये है फ्लैग फिन एंजल बोलते हैं इसको। ये कैसे में आएगा? ये आपको 3500 में आएगी। उसके बाद में ये वाली की होल एंजल है, ये 2500 है। ओके, देन माइकल एंजल 2500। देन ये अगेन अगेन कोरल ब्यूटी एंजल 3000, माइकल एंजल 2500। अब हम आपको एक नेक्स्ट मरीन फिश वैरायटी दिखा रहे हैं, ये जो पीछे सारे ग्रुप में स्विम कर रहे हैं ये अलग मरीन फिश कैटेगरी में आते हैं। क्या नाम है भाई इनका? ये फायर फिश गोभी है, ये गोभी फिश इनको बोलते हैं। गोभी फिश में ये फायर गोभी। ओ, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ये सारे, एक डायरेक्शन में ही देख रहे हैं इसलिए बहुत ही आई प्लीजिंग लग रहा है, पीसफुल कामिंग लग रहा है आँखों को। कैसे प्राइस में मिलेंगे भाई ये? आपको आ जाएंगे 2000 rupees में। ओके, आप इनका कलर भी देख सकते हो कितना प्यारा है, पीछे की तरफ जितने भी इनके फिन्स है वहाँ पे जो कलर लगा हुआ है एंड आँखों के सामने पूरा वाइट कलर है, वेरी अमेजिंग। उसके बाद में ये वाले भाई पर्पल स्क्वायर एंटायर रेजर, पर्पल स्क्वायर, यू कैन वॉच दैट पर्पल स्क्वायर राइट आफ्टर द गिल्स, एकदम क्लियर कट हमको जो पर्पल स्क्वायर दिखाई दे रहा है इनका। एंटायर्स के कैटेगरी में ये फिश आती है। ये कैसे मिलेंगे भाई हमको? ये आपको 3500 का आएंगे। देन ये जो नीचे वाली, ये नीचे वाली है लाइलिटेल एंथियास फीमेल है ये। ओके, ये क्या वैरायटीज है भाई? यहाँ पे मैडसीबल एंथियास है एंड देन स्पॉट फिन एंथियास दिख रहा है वो। ओके, फिंस में स्पॉट है वो, लाइलिटेल एंथियास मेल है वो। ओके, जो नीचे बैठे हैं वो घूम रहा बाकी लोग, ये मेल है लाइलिटेल। कैसे आएंगे? ये सब आएंगे आपको 2500 से।
देयर इज नेक्स्ट फिश वैरायटी, बॉडी के ऊपर एक पूरा रेड स्ट्राइप है हॉरिजॉन्टल, क्या नाम है भाई इनका? रेड स्ट्राइप टाइप फिश, रेड स्ट्राइप एंटियास बोलते हैं, रेड स्ट्राइप एंटियास। ओके, क्या प्राइस में मिलेंगे? 3500। देन उसके बाद? उसके बाद दिस इज, दीज आर कलर चेंजिंग टाइल फिश है ये सर। कलर चेंजिंग, कलर चेंजिंग टाइल फिश। ये कैसे आएंगे? ये आपको आएंगे 3500 के। ओके देन, एंड देन ग्रैंडली टाइल फिश है ये सब, दूसरे वाले ये ग्रैंडली टाइल फिश बोलते हैं। क्या प्राइस है? सेम 3500 ही आएंगे। एंड पर्पल टाइल फिश हमारे पास उसके बाद यहाँ पे। ओह, पर्पल टाइल फिश, ये कैसे आएंगे? 3500 के। एंड देन उसका ऑरेंज कम टाइल फिश है, वहाँ पे दो एक साथ बैठी हुई है लास्ट में, ये वाली ऑरेंज कम टाइल फिश है और आना। वो कैसी प्राइस में आएगी? 3500। अब हम आपको दिखा रहे एक अगली फिश, इसका आप पैटर्न देख सकते हो, बॉडी के ऊपर येलो बेस कलर है, उसके ऊपर इसको ऐसा पैटर्न आया हुआ है। क्या वैरायटी है भाई ये? गोल्डन क्रोमीज बोलते हैं इसको, गोल्डन क्रोमीज। हाँ, हनी डेम्पल भी बोलते हैं, गोल्डन क्रोमीज भी बोलते हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। और आप टेल इसकी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत शेप है टेल का। क्या प्राइस में मिलेगी ये? ये आपको आएगी 1500 रुपये, 1500 रुपये। हाँ, 1500। इस टैंक में है एक ब्यूटीफुल ब्रास, क्या बोलते हैं भाई इस ब्रास? दिस इज जुवेनाइल रेड कॉरिस ब्रास। दिस वन, ये जो सामने आ रही है जी, ये अपना लुबॉक करी रास है ये। ओके, ये वाले भी ये रेड पिग्मी रास है, रेड पिग्मी रास। और ये ऑरेंज बैक है यहाँ पे, ये ऑरेंज बैक करी रास है। और वो नकोई परी रास है यहाँ पे, ये वाला वो वाली है नकोई परी रास। ये वाली कौन सी है? नकोई, नकोई परी रास। किसी प्राइस है इनकी? डिपेंड, नेपाल प्राइस 3500 की है, जुविनल रेड कोरिस रास है वो 2500 की है, ऑरेंज बैक प्राइस 3500 की है, एंड रेड पिग्मी रास 3500 की है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दिस डैमसल? या अजूरे डैमसल। कैसे आएंगे ये? आएंगे आपको 1000 रुपीज़ के। और वो रॉक्स के बीच में देखो, होल में मुँह निकाले हो रास्ते। जी 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 जी, उसका एक व्यू देखिए। ओह, वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला भाई कौन सा है ब्रास? आपने actually, बताया मैंने ये लुबॉक बोला था, बट वो लुबॉक पेरीरास नहीं है, वो सोलार पेरीरास है। सोलार पेरीरास, सोलार पेरीरास। ओके, एनी ऑफ दिस वन क्लाउन, पिंक स्कंक क्लाउन। ओह, ऑरेंज स्कंक नहीं है, पिंक स्कंक क्लाउन है ये। ओके, कैसे आएगा ये? आपको आएंगे 2500। सो अब हम आपको दिखा रहे हैं MB मरीन फिश शॉप का क्लाउन फिशेस का कलेक्शन। सो पूरे इंडिया में MB मरीन फिश शॉप इज़ द वन एंड ओनली मरीन फिश शॉप जो आपको सबसे ज़्यादा क्लाउन फिश वराइटीज़ दिखाएंगे। इनके पास आपको सबसे ज़्यादा, सबसे वाइड वराइटी के क्लाउन फिशेस देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने इनका क्लाउन फिश का अलग से डेडिकेटेड सेटअप, आप ये सारे टैंक्स देख सकते हो। इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोटिक क्लाउन फिशेस के लिए बनाए हैं। हमने पर्कुला क्लाउन वो सब आपको दिखाए, बट इसके अंदर आपको सारे एक्सोटिक यूनिक क्लाउन फिश दिखेंगे। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टैंक ऑन टैंक सिस्टम का, इसका मैं आपको फिल्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ, बहुत ही हाई एंड फिल्ट्रेशन है। सो सबसे पहले इसके अंदर ये खूबसूरत क्लाउन फिश हम लोग कवर करेंगे। क्या नाम है मिथिलेश भाई इसका? ये ब्लैक पिकासो P1 क्लाउन है, ब्लैक पिकासो P1, ब्लैक पिकासो P1 क्लाउन। ओके, ये होते हैं बहुत ही एक्सोटिक रेयर अनकॉमन क्लाउन्स। ठीक भाई, नेक्स्ट में ये वाले कौन से? दैट वन इज ब्लैक आइस ए ग्रेड, ब्लैक आइस। इट्स नॉट EYES, इट्स IC, राइट? IC, राइट। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे भाई, हाँ ये डब्बे में जो एक साल है, ये मिडनाइट क्लाउन्स है, मिडनाइट क्लाउन्स। ओके, और जो ये वाला है भाई नीचे, ये ब्लैकस्टोन क्लाउन है, ब्लैकस्टोन क्लाउन। सो ये सारे एक्सोटिक क्लाउन, ऑरेंज स्टोन क्लाउन नहीं, ये वाला अपना ये है, ये भी ब्लैक पिकासो P1 है, ये ब्लैक पिकासो P1 है, उसके पीछे ऑरेंज स्टोन को, ये है ऑरेंज स्टोन, ऑरेंज स्टोन क्लाउन। हां, नीचे देखो यहां पे ये तो सी है पूरा,
जी, ये वाला अभी घूमेगा ना तो चांद जी, आप देख सकते हो कि हाफ मून, आप देख सकते हो ऐसा हाफ मून जैसा पैटर्न है इस क्लाउन के ऊपर। आप देख सकते हो इसका टेल फिन के तरफ भी वैसा ही पैटर्न है जो हाफ मून होता है, वैसा इसको पैटर्न है डॉर्सल फिन की तरफ और टेल फिन की तरफ। उसके बाद में भाई नीचे ये वाले, ये तो ब्लैक स्टॉर्म है, ये ब्लैक स्टॉर्म से, ये वाला वाइट स्टॉर्म, वाइट स्टॉर्म, ओके। देन ये वाला पीछे जो है ब्लैक ऑस्ट्रेलरी क्लाउन है, ऑस्ट्रेलरी मिडनाइट है वो ब्लैक। देन ये गोल्डन नगेट क्लाउन है, ओके। देन ये दिस वन अगेन ब्लैक ऑस्ट्रेलरी, ओके। और उसके बाद ये मोका स्टॉर्म क्लाउन है, मोका स्टॉर्म क्लाउन, ये दोनों आगे पीछे दोनों मोका स्टॉर्म क्लाउन। देन उसके बाद आपने ये नहीं कहा लाइटनिंग मरून क्लाउन, इसमें और इसमें लाइटनिंग मरून क्लाउन, लाइटनिंग मरून क्लाउन। और ये जो आगे वाली है, आगे वाली लाइटिंग मरून क्लाउन, आगे वाली उसके बाजू में एक और लाइटिंग मरून क्लाउन है। गोल्डन स्ट्राइप मरून क्लाउन, गोल्डन स्ट्राइप मरून क्लाउन, ये बहुत बड़े हैं, ये एक्सेल साइज के, डबल एक्सेल साइज के नॉर्मल मरून क्लाउन है हमारे पास। एंड देन यू कैन शो ब्लैक ऑस्ट्रेलरी क्लाउन वहाँ पे, सारे हमने डब्बे में रखे ब्लैक ऑस्ट्रेलरी क्लाउन वहाँ पे देख सकते हैं डब्बे में। यहाँ पे ब्लैक ऑस्ट्रेलरी से रखे हुए हैं, ब्लैक ऑस्ट्रेलरी से, ये मिडनाइट क्लाउन, और ये डोमिनो क्लाउन है ये वाला, डोमिनो क्लाउन। एंड देन अगेन यहाँ पे हमारे पास गोल्डन नगेट क्लाउन है, दिस आर गोल्डन नगेट क्लाउन, गोल्डन नगेट से। और ये वाला भाई कौन सा एंजल का वैरायटी है, गोल्डन एंजल है, क्या प्राइस है, 7,000 rupees। देन ये वाला ये रेयरेस्ट कलेक्शन है हमारा, ब्लू बैक एंजल है, ब्लू बैक एंजल, एक फोर पीसेस फॉर 25,000। और भाई ये जो नीचे बैठा हुआ है ये कौन सा है, ये स्पॉटेड मैंडरिन है, स्पॉटेड मैंडरिन, मैंडरिन मैंडरिन, स्पॉटेड मैंडरिन, क्या प्राइस में आएगा ये, आपको आ जाएगा 2,500 में। और एक मैंडरिन वैरायटी है इनके पास, ये वाले कौन से, ये ग्रीन ब्लू ग्रीन मैंडरिन है, और आगे वाला जो एक दिख रहा है रेड कलर का, दैट्स रेड एंड ग्रीन मैंडरिन है, और दैट्स रेयरेस्ट कलेक्शन, एक ही पीस आई है हमारे पास। ये कैसे आएंगे, वो आपको 5,000 का आएगा, और बाकी दूसरे जो है ब्लू ग्रीन मैंडरिन ये सब, ये वाले सब आपको आ जाएंगे 2,500 में, ओके। सो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इनके जो है यहाँ पे 4 feet के इनके पास 3 fish tanks है, तो टोटल लेंथ हो गया 12 फीट का, तो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर इन्होंने मेंटेन करके रखा है, बिकॉज इनके पास फिल्ट्रेशन भी एकदम स्ट्रांग है, साइफनिंग भी ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं, तो इतना अच्छा पानी क्रिस्टल क्लियर मेंटेन करके रखा है, तो फिशेस तो आप साफ देख सकते हो, पर पूरा आप एकदम आर पार देख सकते हो, आप कर्टन देख सकते हो इधर से, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, तो 12 फीट डायरेक्टली आप आँखों से देख सकते हो कि डायरेक्टली कर्टन्स दिखाई दे रहे हैं इधर से। So this was the latest marine fish collection arrived at MB Marine Fish Shop. I hope आपको आज का ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, because marine fish आपको किसी भी चैनल पर regularly देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर आपको regularly देखने तो मिलेगा ही, but आपको बहुत सारे uncommon, exotic, unusual, rare marine fish varieties आपको देखने को मिलेंगे, and सिर्फ और सिर्फ MB Marine Fish Shop deals in brings so many widest marine fish varieties. So if you enjoyed watching this video, do hit the thumbs up button and stay tuned to watch some more upcoming interesting videos coming soon on SG Inceptions. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.